इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज मंच पर बैठे हुए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब और अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण जो मंच पर विराजमान है, सभी नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आज का जो नारा है, जो आज का विषय है, वो है संविधान बचाओ आंदोलन। और अगर संविधान बचाओ आंदोलन है तो हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि संविधान क्या है। हम में से बहुत से लोग अभी इसको जानते नहीं हैं कि संविधान क्या है। और इस देश में अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे जिस भी पार्टी की आई हो, उन्होंने संविधान के साथ केवल मजाक किया है, संविधान को न समझा है और न ही उसे ईमानदारी से लागू किया। और संविधान को समझना है तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को समझना होगा। और क्या कहती है संविधान की प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उसमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। यह है संविधान। और जब यह सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार, CAA कानून लाती है तो संविधान का खुला उल्लंघन करती है, क्योंकि अभी जो मैंने प्रस्तावना पढ़ी उस प्रस्तावना में साफ है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, यानी हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इस देश में हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसको मानने, उसके रीति रिवाज को अपनाने और जैसे चाहे रहने और खाने पीने विचार का और उसके प्रचार प्रसार का पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है। और ये सरकार जब नागरिकता देती है और उसमें मुस्लिम को एक साइड में करती है तो इसका मतलब यह है धर्म के आधार पर वो भेदभाव कर रही है, इसलिए गैर संवैधानिक काम वो कर रही है। और केवल इतना ही नहीं, इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो संविधान का अनुच्छेद केवल नागरिक नहीं, नागरिक से आगे बढ़ के व्यक्ति तक की बात करता है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई व्यक्ति है, हमारे देश का संविधान जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए हम CAA का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमारा विरोध उस समय तक जारी रहेगा, CAA तो बहुत दूर की बात है, जब तक हम इस देश से अब RSS और BJP का चरसा उखाड़ने फेंकेंगे तब तक जारी रहेगा। हमारी केवल CAA तक नहीं है साथियों, CAA के बाद में और तो सारी चीजें आ रही हैं, एक के बाद एक लगातार
वो सारी की सारी इस देश को तोड़ने की है, इस देश के संविधान को खत्म करने की है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की है और इस देश के भाईचारे को खत्म करने की है, जिसे हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। आप अगर देखें जो सीए के कानून है, उस सीए के कानून में सरकार कहती है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, ये जो छह धर्मों के लोग आए हैं, इनके साथ अगर धार्मिक अत्याचार हुआ है, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये सरकार बेईमान सरकार है, जो कह रही है वो लिखा नहीं है, और जो लिखा है उसे आपको बता नहीं रही, क्योंकि अगर वो सच्चाई आपको बता देगी तो जो वो चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना, इस देश को बांटना, उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। वैसे भी इसका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि ये आंदोलन अब हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, इस देश के व्यक्ति का है, हर व्यक्ति का है जो इस देश में सेकुलरिज्म को चाहता है, जो चाहता है इस देश में हमारा शांति बनी रहे, जो चाहता है इस देश में हर व्यक्ति तरक्की करे, जो चाहता है इस देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को दवाई, डॉक्टर और अस्पताल मिले, ऐसा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आज इस आंदोलन में शामिल है। आप भूले तो नहीं होंगे जामिया में जो हुआ, जामिया के बाद जिस तरह से पूरा स्टूडेंट इस देश भर में सड़क पर आया और जेएनयू ने जिस तरह से इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी, उससे सब हो गया कि केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, सभी लोग इस आंदोलन में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर शामिल है। और हम भी पूरी ताकत के साथ जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इस आंदोलन में आपके साथ हैं साथियों। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इस देश में किसी में इतना दम नहीं है, चाहे वो चाकीदार हो, चाहे पुलिसदार हो, किसी में हिम्मत नहीं है। ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा यही एक रास्ता है हमारे पास। कागज दिखाने की तो बात दूर है, कागज तो हम जब दिखाएंगे ना, कि जब इस देश का चौकीदार पहले अपनी डिग्री का कागज दिखा, जब दिखाएंगे ऐसा नहीं दिखाते कागज, हमारे कागज देखने से पहले आपने, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई के हालात हमारी कल्पना से बाहर है, और इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख सेनापति बिठाया जाएगा, दिसंबर में बिठा दिया। जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर हुए और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। एक साहब वाला आपके मन में आना चाहिए कि अब तक हमारे देश में जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर था, वो तो हमारे देश का राष्ट्रपति, पर आज नहीं है। आज सेना सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में है। आप सारे सोचिए, जितने भी नेता बैठे हैं, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, यहाँ पर बैठे हुए सारे नेता हो, सब लोग सोचें, प्रधानमंत्री को सेना सीधे सीधे अपने हाथ में क्यों चाहिए? केवल और केवल सेना उस व्यक्ति को चाहिए जो इस देश का तानाशाह होता है, उसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री, इस बात को मैं यहाँ से, इस बीजापुर की जर्जमी से मैं आपको चेतावनी देता हूँ, चाहे तुम सेना अपने हाथ में ले लो, और भी ताकत हो वो भी ले लो, दुनिया भर की ताकत अपने सामने ले लो, संसद में तुम्हारा बहुमत सही, लेकिन हम सड़क पर तुम्हारे और तुम्हारी पूरी टीम के घुटने टिका देंगे, क्योंकि देश हमारा है, तुम्हारे बाप की जाती नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा साथियों, इस लड़ाई को समझो, क्योंकि लड़ाई केवल ये नहीं है, ये लड़ाई है हिंदू राष्ट्र की घोषणा, वो घोषणा जिसको मोहन भागवत कहते हैं 2024 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। अगर 2024 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तो आप मान लीजिए इस देश के संविधान को खत्म करके ही वो घोषणा करेंगे, संविधान के बिना नहीं कर सकते। और अगर इस देश का संविधान खत्म, तो हमारे जितने भी अधिकार है वो खत्म। और जब मोहन भागवत कहते हैं इस देश में 130 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, तो यार क्या कहा जाए, कि मोहन भागवत ना समझ है? नहीं, वो बहुत समझदार है, वो व्यक्ति जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है, सीधी नजर उस पर है, और वो जानता है कि जिस समय हिंदू राष्ट्र की वो घोषणा करेंगे,
उनके पास सारी ताकत होंगी, क्योंकि सारी सरकारी अमला उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ तक कि यूपीएससी से जो सीधी भर्ती होती थी आईएएस की, वो सारी एक साइड में करके 400 अधिकारी आरएसएस के लोग डायरेक्ट भर्ती किए हैं, लगातार भर्ती किए जा रहे हैं। और वो लोग हैं जो आरएसएस के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, और जिस लेवल पर भर्ती की जा रही है वो अवेलेबल है कि एक आईएएस अधिकारी 20 साल की नौकरी करने के बाद जिस लेवल पर पहुंचता है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, उस लेवल पर सीधी भर्ती करी जा रही है, ताकि हर डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में लिया जा सके। और जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जब आर पार की बात होगी, उस समय वो सारे के सारे अधिकारी उनके लिए काम करेंगे, और आपकी कोई सुनने वाला कहीं भी किसी विभाग में होगा नहीं। इसलिए साथियों, इस चीज को समझना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, एक एक करके वो देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है। और आपकी और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संसद में तो मैं मानता हूँ बीजेपी का बहुमत है, 350 सीटें उनके पास है। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में तो कोई बहुमत नहीं उनका। राज्यसभा में जो विपक्ष के लोग हैं, क्या करें वो विपक्ष के लोग, कैसे पास हो गए ऐसी एक कानून? निश्चित रूप से जो राज्यसभा में बैठे हुए विपक्ष के लोग हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की, जो सरकार के सामने छुपते, जो बिकते, अन्यथा विपक्ष के होते हुए राज्यसभा से ही किसी आदमी को पास नहीं हो सकता था। इसलिए विपक्ष नहीं है, कोई नेता नहीं है, आप ही विपक्ष है, आपकी लड़ाई है, आप ही को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी। ये इस देश का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आखिरी बात, एक बात कहकर खत्म करूंगा साथियों, कोई अदालत आपके साथ नहीं है। आप समझ रहे क्या? सुप्रीम कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए नहीं बैठी। अनुच्छेद 370 में क्या न्याय किया? 6 महीने बाद भी अभी तक पिटीशन पड़ा है, सुनवाई नहीं। 80 लाख लोगों को कैद करके रखा हुआ है, आज तक सुनवाई नहीं है कोई भी। इसके अलावा ये जो पिटीशन फाइल हुआ सीए के विषय में, क्या दिक्कत थी सुप्रीम कोर्ट को? 1 महीने में सुनवाई करके खत्म करना था, क्यों 1 महीने बाद की डेट दी? और 1 महीने बाद ये बेंच सुनेगी, उस दिन ये बेंच केवल संविधान पीठ का निर्माण करेगी, और उसके बाद में डेट पड़ेगी, और फिर वो संविधान पीठ सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या होगा ये वो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मामला धीरे धीरे लटकता जाएगा, और शायद यही सुप्रीम कोर्ट की, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के इशारे पर काम कर रही है, मुझे इससे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि जस्टिस अरुण मिश्रा, उनका स्टेटमेंट देखिए, जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि इस जैसा मोदी जैसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है दुनिया में आया नहीं, देश के लिए इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत ही जीनियस प्रधानमंत्री है। ऐसे व्यक्ति को जिसने देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया, जिस व्यक्ति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आर्थिक स्थिति खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, महिलाओं की इज्जत आबरू की कोई जिसको परवाह नहीं हो, उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि किसी तरह का न्याय मिले? नहीं मिल सकता। इसलिए जान कर रखिए, न कोई नेता आपके साथ है, न कोई पार्टी आपके साथ है, और न ही कोई ये जो अदालत है वो आपके साथ में है। इस तरह से आपकी लड़ाई है, और ये लड़ाई हमें लड़नी ही नहीं है, ये लड़ाई हमें जीतनी है। एक बात, सिर्फ आखिरी बात साथियों, सिर्फ यहाँ सुन के मत चले जाना, जिस साथी की भी अच्छी बात लगे, जो साथी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आपको रास्ता दिखाए, उस साथी की बात मानना, और घर घर जाके, गली गली जाके लोगों को समझाना। और एक बात पक्की करना, 1 तारीख से होने वाले एनपीआर का पूरी तरह से बायकॉट करना है, और बायकॉट करना है टेलीविजन का। ये टेलीविजन ही है जिसके माध्यम से सारी गंदगी, सारा झूठा प्रचार हम तक पहुंच रहा है, और इस टेलीविजन पर ताला लगाओ, क्योंकि ये टेलीविजन रिलायंस का है, 200 न्यूज चैनल रिलायंस के हैं, हमारे वाली कोई बात नहीं होती। इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर है, आप जाके देख लिए, किसी टीवी में नहीं दिखाया जाएगा, लाखों लोग यहाँ पर हैं। ये इसलिए साथियों, तो टेलीविजन को देखना बंद करो, और रिलायंस का, और लाला रामदेव बाबा नहीं, लाला रामदेव, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करो। ये जो जियो का सिम है निकाल के फेंको साथियों, क्योंकि जो हमारे नहीं है, जो हमारी बात नहीं करते, हम अपनी
शहर का एक भी पैसा उन्हें किसी कीमत पर देने नहीं चाहिए। लेकिन एक बात, विश्वास अपने ऊपर रख लो, अपने ऊपर डरना नहीं है। डर गए सारा खेल खत्म। और अगर डरे नहीं तो सरकार घुटनों पर आएगी, और सरकार डरी हुई है। तभी तो कानून पास हो गया, कानून लागू हो गया, और फिर भी गृह मंत्री 1000 रैलियां उसके पक्ष में कर रहे हैं। इसलिए डरी हुई सरकार, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने ऊपर विश्वास रखो, और जो बात बताई जा रही है उसको जीवन में अपनाओ, लागू करो, लोगों को जोड़ो। मुझे समय दिया, यहाँ की जो बीजापुर की जो जयंत कमेटी है, उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। मुझे समय दिया, सुना मुझे ध्यान से, और आप ध्यान रखिए, हम ये लड़ाई इसी तरह से लगातार लड़ते रहेंगे। किसी में दम नहीं जो हमें डरा सके या हमें खरीद सके। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस जलसे के सदर साहब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब मंच में बैठे हुए हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, खड़गे जी, सिद्धरामैया जी और कई सारे पार्टियों के और ऐसे नेता लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा सलाम, और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में बीजापुर के अंदर ये जलसा होगा इसकी उम्मीद नहीं कर रहा। लेकिन आज की परिभाषा मोदी साहब की और हमारे शाह साहब की सुनने से यही लगेगा कि हमें खुद को तो ये आदत पड़ गई कि हमें ये कहते आए हैं कि हम देशद्रोही हैं क्योंकि उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अब इतने लाखों की तादाद में करोड़ों के लोगों को देशद्रोही कहना, तो आधा हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मोदी साहब, आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हो। हर मजहब का अपना किताब होता है, एक पवित्र किताब होता है जिसको हम सब मानते हैं। मजहब के लोग, आप मुसलमानों के लिए कुरान है, ईसाइयों के लिए बाइबल है, हिंदुओं के लिए भगवद गीता है, लेकिन एक देशभक्त के लिए, हम सब के लिए, एक कोई देशभक्त के लिए एक ही किताब है, एक पवित्र किताब है, वो है हमारा देश का संविधान, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कोई उल्लंघन करेगा, आप ही क्यों ना हो मोदी साहब, आप ही क्यों ना हो शाह साहब, जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा देशभक्ति है, ये देशद्रोही नहीं है। तो मेरी फर्ज मैं पूरा करूंगा, ये फर्ज हम सब लोग मिलकर आज पूरा कर रहे हैं। सवाल हमारे वतन का, सवाल यहाँ पर कोई मजहब का नहीं। आज यही अफसोस की बात है, हिंसा शुरू हो गई आज दिल्ली के अंदर, एक पुलिस की मौत हो गई, सुनने को आ रहा है खबरों में, कई सारे लोग घायल हुए हैं। और ये हिंसा क्यों करवा रहे हैं? हमने सुना वो हिंसा करवाने के जो तकरीरें जब इलेक्शंस हो रहे थे दिल्ली के अंदर, गोली मार दो के नारे जो लग रहे थे हमारे देश के कैबिनेट मंत्रियों से, जो नारे लगवा रहे थे हिंसा फैलाने के लिए, उसका नतीजा ये है कि आज ये हिंसा हुई। ट्रंप साहब जब उनकी दावत पर जो आए हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो जब दिल्ली पहुंच रहे होंगे आगरा से, वहां पर ये सब हिंसा की और वायलेंस की वातावरण वहां पर कोशिश करके ये लोग सुस्ती करवाए। इस तरीके की लड़ाई करवाने का मतलब क्या? अरे हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं, ये देशभक्त और हमारे संविधान का उल्लंघन करने वालों के बीच में है ये लड़ाई, और ये हम बचाएंगे हमारे देश के संविधान को। ये चेतावनी ये हुकूमत सुन ले, क्योंकि हमें कोई डराने वाला नहीं है। क्योंकि आज जो हो रहा है देश में, आज जो हो रहा है, ये 21वीं शताब्दी का महात्मा गांधी का एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो हो रहा है, जो आज हमारे शांतिपूर्वक ढंग से एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हो रहा है, वो चल रहा है आज पूरे मुल्क के अंदर, कोई एक नेता नहीं है। सवाल यही है कि इसका विरोध करना है, संविधान को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, और इसलिए इसको आप उतारिए मत सिर्फ एक मजहबों के बीच में, यह हिंदू मुसलमान की लड़ाई। अरे जब हम उनकी बात करते हो, आप हमारे मोदी साहब, आप हम की बात करते हो, अमित शाह साहब आप हम की बात करते हो, हमारे वतन की बात करते हो, ये हम का मतलब क्या होता है? हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब मिलता है तभी हम बनता है,
तभी हमारा भारत बनता है, बिना उसके ये भारत जिंदा नहीं रह सकता, ये हिंदुस्तान जिंदा नहीं रह सकता। अब उसके बीच में दरार ले आकर अपने राजनीतिक फायदा के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, ये कोई देश के अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, ये हिंसा पैदा करने वाली राजनीति है, जिसके चलते हुए हमारे देश की एकता को हम नहीं बचा पाए। आज ये सीएए का विरोध क्यों हो रहा? पहली बार हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप या नागरिकता को जोड़ी जा रही है मजहब के साथ, ये पहले कभी नहीं था, ना होनी चाहिए। आज एक मजहब के साथ अगर जोड़ी जाएगी, कल को इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा रास्ता खुला है। ये सिर्फ किसी एक के ऊपर नहीं, ये देश के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर होगी जो भी इस सरकार का विरोध करेगा उसके खिलाफ ये काम करने की इसका खतरा। और दूसरी ओर से ये एनपीआर एनआरसी शुरू होने वाले हैं, सुना बहुत कुछ आपने, कागज नहीं दिखाएंगे, जवाब नहीं देंगे। हम 13 मुख्यमंत्री है देश के अंदर, आज 13 मुख्यमंत्री है अपने मुल्क में जिन्होंने कहा कि उनके स्टेट्स में ये एनआरसी लागू नहीं होगी। हमारी आग्रह उन सबसे यही, कई सारे लोग कर चुके हैं और हमारे वामपंथी मुख्यमंत्री केरल के सबसे पहले बोल चुके हैं कि एनपीआर भी हम लागू नहीं करेंगे। और उसके बाद कई सारे कांग्रेस के जो सरकारें हैं राज्यों में, आपके राजस्थान के अंदर, आपके मध्य प्रदेश के अंदर, उन लोगों ने भी ऐलान किया। अगर देश के अंदर 13 स्टेट अगर एनपीआर एनआरसी को लागू नहीं करेंगे, देश के आधी आबादी से ज्यादा लोगों को आपको कहना पड़ेगा ये भारत के वासी नहीं है, ये सिटीजन नहीं है। इस तरीके के आतंक मचा रहे हो आप हमारे मुल्क के अंदर, ऐसे समय पर जब आपकी आर्थिक नीतियों के चलते हुए आज 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे मुल्क में। आज हमारे देश के अंदर कारखाने बंद हो, हम सब हमारे भारत हिंदुस्तान में हम सब जो है चाय बिस्कुट पर जिंदा रहता है हमारा आवाज। आज बिस्कुट के कंपनियां आज कह रहे हैं 5 रुपए के बिस्कुट पैकेट की बिक्री घट रही है और उसकी उत्पादन घटा रहे हैं, लाखों की तादाद में लोगों की छटनी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। हमारा अन्नदाता किसान खेती करने की जगह कर्जे में डूब कर वो खुदकुशी कर रहा है। अब नौजवान भटक रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है, मजदूर बेरोजगार हो रहा है, छटनी हो रही है, देश की संपत्ति को बेचे जा रहे हो और ट्रंप साहब को बुलाए हो और कल को दिल्ली के अंदर कई सारे एग्रीमेंट पर दस्तावेज होंगे जहां पर अपने देश के अंदर अमेरिका की सब कंपनियों को खुलेआम आकर यहां पर लूट मचाने के लिए वो रास्ता खोलने के लिए सबसे बड़ा एग्रीमेंट के ऊपर कल होने वाला है निर्णय। वो आएंगे हमारे देश के अंदर, हमारे देश की मार्केटों के अंदर उनकी चीजें की बिक्री होगी। दूध की बात, आज दूध और डेयरी और पोल्ट्री की बिजनेस अमेरिका की कंपनियों को खुला छूट देने की बात हो रही है, वो एग्रीमेंट कल को आएगा। अरे भारत की गाय की दूध ना पिए हम, अमेरिका की गाय की दूध पिए, ये कौन सी गौरक्षा हुई है मोदी साहब, ये बताइए आप, ये कौन सी गौरक्षा हुई है, किस तरीके की ये एग्रीमेंट करवा रहे हो आप। लेकिन इस तरीके से आर्थिक हालत बर्बाद करते हुए पिछले 8-9 महीने में जब से वो लौट आए अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद से हर जो निर्णय उन्होंने दिया, हर कदम जो लिया वो हमारे संविधान का विरोध है। कश्मीर के अंदर धारा 370 को रद्द करके आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा आज हो रहे हैं, वहां पर कई सैकड़ों लोगों को जो है गिरफ्तार करके रखा। अरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो आज सांसद है, जो इसी संविधान के ऊपर शपथ लेकर उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर बने, सांसद बने, उन्हीं लोगों को आप जो है वहां की वो कठोर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद रखा। वहां पर बच्चों को स्कूल जाने की मौका नहीं है, अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाई की कमी हो रही है। ये इस तरीके से घेराबंदी कर अपने संविधान का ही उल्लंघन करके धारा 370 को खत्म किया। उसके बाद आप लगातार ये 8-9 महीने इस जज्बाती सवालों को ले आकर देश के अंदर एक नफरत और हिंसा की वातावरण पैदा कर रहे, और इसके चलते हुए देश की ना हिफाजत हो रही है ना देश का आज जो है तरक्की हो रही है।
और ये कोशिश कर रहे हैं कि देश को बेचकर ट्रंप साहब को खुश कर ले, ताकि ट्रंप साहब और अमेरिका और दुनिया के विदेशी देश अपने देश के अंदर जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उन पे कोई सवाल ना उठाए। इस कोशिश में अपनी देश की पूरी संपत्ति की बिक्री हो रही। तो आज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं। हमारे वतन को आज बचाना है, हमारे संविधान को आज बचाना है, ताकि एक बेहतर भारत का निर्माण हम कर सके, हिंदुस्तान का निर्माण हम कर सके आने वाले दिनों में। ये हमारे सामने अपनी दायित्व है, ये अपनी जिम्मेदारी है आज के दिन, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना है तो इस तिरंगे को, इस संविधान को बचाना, यही हम कहना चाहते हैं इन भगवाकारियों को। इस तिरंगा के अंदर एक तिहाई हिस्सा भगवा है, एक तिहाई हिस्सा हरा है और एक तिहाई हिस्सा सफेद। अगर भगवा कोशिश करेगी कि पूरे तिरंगा में फैल जाएगी और बाकी सबको हटा देगी तो वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, उसको हम नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है, ये हम यहाँ पर आज कहेंगे इतने करोड़ों लोगों के बीच में, आज हम कहेंगे पूरे देश के अंदर कि ये कभी होने नहीं देंगे। एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई ही रहेगा भगवा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आज आप यही कोशिश कर रहे हो कि ह और म को उसके बीच में दया ले आकर हमको बिगाड़ने की कोशिश करोगे, अगर म को हटा के हिंदुस्तान को जिंदा रखना चाहोगे मोदी साहब, तो सिर्फ ह बचेगा, उसका मतलब है सिर्फ हाहाकार मचेगा। और ये इस तरीके की मुल्क जो है वो अपने देश के अंदर वो हम कभी होने नहीं देंगे। इसलिए आज सवाल हमारे सामने यही कि अपने देश को अगर बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, और ये बात आप उठाते हैं, अब ये बात आप उठाते हो ये कहते हुए कि आज हम देश की तरक्की और $5 trillion की इकोनॉमी वगैरह बना रहे हैं, पहले देश की लोगों की आवाम की हिफाजत तो करिए, हमारी बहनों की हिफाजत करिए जिनके ऊपर ये गैंग रेप और मर्डर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आप सबके तरफ से मेरी गुजारिश आप सबको एक ही चीज की है कि आइए ये नारा मेरे साथ मिलकर लगाइए। मैं कहूंगा मोदी शाह सावधान, आप कहेंगे हम बचाएंगे संविधान। मैं कहूंगा मोदी शाह सावधान, आप कहेंगे हम बचाएंगे संविधान। कहिएगा मोदी शाह सावधान, मोदी शाह सावधान, मोदी शाह सावधान। शुक्रिया।